उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार के सिवान जा रही एक निजी बस एक अज्ञात वाहन से टकरा गई है। उसमें 5 सवार यात्रियों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है बस में करीब 60 यात्री सवार थे। ये हादसा सोमवार देर रात करीब 2 बजे सुकुल थाना बाजार क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई है। सुकुल बाजार थाना के प्रभारी निरीक्षक SHO तनुज पाल ने बताया कि अज्ञात वाहन से टकराने के बाद बस का बायां हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है और उसमें बैठे 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं। पाल के अनुसार घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की अभी सिनक नहीं हो पाई है। पाल ने कहा कि 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी अनूप कुमार सिंह सुकुल बाजार सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। साथ ही थाना सुकुल बाजार को आवश्यक आदेश निर्देश भी दिए हैं। आज दिनांक 9/7/24 को रात्र में करीब 2 बजे थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 68.8 किलोमीटर पर एक प्राइवेट बस जो दिल्ली से सिवान जा रही थी वो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई जिसपे बैठे हुए करीब 12 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा गया जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया गया है। क्रेन को बुलाकर बस को किनारे करा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है।